सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज पूर्ण कायोस्वर का प्रयोग हम करेंगे। पूर्ण कायोस्वर कैसे किया जाता है आपको पता है, पहले भी हम कर चुके हैं कई बार। कायोस्वर तीन प्रकार से किया जाता है, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर। खड़े होकर जो कायोस्वर करते हैं उत्तम कायोस्वर कहा जाता है उसे, सबसे बढ़िया कायोस्वर। बैठकर किए जाने वाला मध्यम कायोस्वर और लेटकर किए जाने वाला साधारण कायोस्वर। तो खड़े होकर अगर आपको अभ्यास हो गया हो, इतने दिन से अपन क्लास कर रहे हैं, आप बैलेंस बना के खड़े रह सकते हैं आधा घंटा, तो खड़े होकर कोशिश करें। कोशिश कर सकते हैं खड़े होकर करना, जबरदस्ती नहीं करना है। जो खड़े होकर कोई करना चाहते हो तो अपने पास में कुर्सी जरूर रख ले, ताकि कभी आपको जैसे लगे है खड़े होने में प्रॉब्लम लग रही है, पैरों में प्रकंपन हो रहा है, तो आप कुर्सी में बैठ सकते हो। जो खड़े होकर करना चाहते हैं खड़े खड़े करेंगे, बैठकर जो करने चाहते हैं कोई भी एक आसन में बैठेंगे, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या पद्मासन या फिर कुर्सी पर। और जो लेट कर करेंगे उन्हें लेटा दिए, लेट कर पूरा शरीर को ढीला करते छोड़ते हुए नीचे लेट जाना है। तीनों प्रकार में से किसी प्रकार का कायोस्वर आप कर सकते हैं। कायोस्वर क्या है इसके बारे में भी हम एक दो मिनट में बता देते हैं आपको। कायोस्वर यानी काया का उत्सर्ग, काया यानी शरीर, शरीर और उत्सर्ग यानी छूटना या छोड़ना। तो शरीर का छूटना क्या होता है सभी जानते हैं, शरीर छूटना यानी डेथ, मौत ही होती है ना। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं निकाला गया है, इसका अर्थ निकाला गया है शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना। हम जब नींद में होते हैं हमारा शरीर रहता है हमारे साथ, लेकिन शरीर के प्रति हमारा कोई भान नहीं रहता है। शरीर में कुछ हरकत हो रही है हमें पता भी नहीं चलता जब गहरी नींद में हम होते हैं। तो जागृत अवस्था में जागते हुए शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ते हुए शरीर की भान को छोड़ देना। आप जागृत अवस्था में हो लेकिन शरीर में कुछ हो रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है, जागृत अवस्था में शरीर का भान छूट जाना ये कायोस्वर कहलाता है। पूरी जागरूकता रहती है। कई कई भाई बहन जब कायोस्वर में जाते हैं तो नींद भी आ जाती है, तो नींद नहीं आनी चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, नींद में नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भी लेट कर कायोस्वर करें तो नींद आ सकती है, तो बैठ कर करें या खड़े होकर करें तो नींद नहीं आएगी। तो जिनको अभ्यास हो गया हो बैठ कर या खड़े होकर करना, तो आप खड़े होकर बैठ कर भी कर सकते हैं। अब हम प्रयोग शुरू करेंगे। प्रयोग शुरू करने के लिए हमने पहले क्या है, खड़े होकर संकल्प करना है। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र का वाचन। तस्स उत्तरीकरणेनं पायचित्तकरणेनं विशोहीकरणेनं विशल्यकरणेनं पावाणं कम्माणं निग्घायणट्ठाय ठामिकौशगम्। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोस्वर का संकल्प करता हूं। 30 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा। तंद्रा, निंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। तो हमने संकल्प लिया है, अभी जागरूकता बनाए रखेंगे, नींद में नहीं जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप लेट जाओ तो आपको जागरूकता बनानी है, बनाए रखनी है, नींद में नहीं जाना है। अब पहले 3 बार ताड़ासन करना है शरीर को तनाव देने के लिए। दोनों हाथों को इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों पैरों के पंजों के बीच फासला रखते हुए वी का शेप बना लें। एड़ियां मिली हुई रहेगी, पंजे खुले हुए।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, एड़िया उठाते हुए पूरे शरीर को पूरा तनाव दीजिए ऊपर की ओर, पूरा तनाव, जितना तनाव दे सकते हैं तनाव दीजिए, साथ में मूल बंद लगाइए, मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए पूरा तनाव, धीरे धीरे एड़िया वापस नीचे, दोनों हाथ नीचे। इस क्रिया को दो बार हम दोहराएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब जिनको खड़े होकर करना है खड़े खड़े करें, जिनको बैठना है बैठ जाए, आसन का चयन कर लें, और जिनको लेटना है शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सीधे पीठ के बल लेट जाए। जो लेट कर कायस्थ कर रहे हैं, दोनों पैरों में 9 इंच का फासला रखें, हथेलियां जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर छत की ओर खुली हुई। जो बैठकर कर रहे हैं आसन का चयन कर ले, और जो खड़े हैं पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए दोनों हथेलियां जंघाओं के पास सटा कर रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, आंखें बंद रखें, गर्दन मेरुदंड सीधी रहे। जो लेट कर कायस्थ कर रहे हैं शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन में तनाव ना रहे, गर्दन को किसी भी एक और हल्की सी लुढ़क जाने दें। अब 1 मिनट पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करना है, अनुभव करें पूरा शरीर भारी भारी हो रहा है, शरीर में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव, पूरा शरीर पूरी तरह भारी होता जा रहा है, शीशे की भांति भारीपन। पूरा शरीर शीशे की भांति भारी हो चुका है, शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है, अनुभव करें शरीर हल्का हो रहा है। 2 मिनट हल्केपन का अनुभव करें, रुई की भांति हल्कापन, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का 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 होता जा, पूरा
पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल हल्का। ऐसा लग रहा है शरीर फर्श से ऊपर हवा में लहराने लगा है, हल्का पर रुई की भांति हल्का पर। कायोसर का अगला चरण शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए, चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव दे। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है, दाहिने पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, घुटना, घुटने का जोड़, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर शिथिल जाए। जिस तरह हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे एक एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और डिलीट का ऑप्शन दबाते ही सारी फाइलें डिलीट हो जाती है, ठीक उसी तरह हमने पैरों के एक एक अंगों को चयन किया और शिथिलता का सुझाव देते हुए पूरा पैर शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करें। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है, दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करना है, बाएं पैर के एक एक अंगों को चुनते हुए शिथिलता का सुझाव देना है। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी,
टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बाया पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए बाया पैर भी शिथिल हो चुका है, दोनों पैर अंगूठों से लेकर कटी तक पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। अब चित्त को पेड़ू पर ले आए, पेड़ू यानी नाभि से चार अंगुल नीचे, इसे स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। चित्त को वहां पर केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दे, पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। नाभि पर चित्त को लेकर आ जाए, नाभि या तेजस केंद्र, नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अब पेट के अंदर एक एक अंगों पर चित्त को ले जाएंगे, शिथिलता का सुझाव देंगे और शिथिलता का अनुभव करेंगे। पेट के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के दाहिनी और नीचे की ओर लीवर या यकृत, कमर के ऊपरी भाग में दोनों किडनियां या गुर्दे, पेट के बाईं ओर ऊपर की ओर तिल्ली या प्लीहा, पूरा आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तनुपट, पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। अब चित्त को छाती पर ले आइए, छाती के अंदर के एक एक अवयव, दाई पसलियां, दाया फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पूरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तीनों नाड़ियां, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शिथिल हो
अनुभव करें, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पूरा धड़, पेट, छाती, कमर, पीठ और मेरुदंड शिथिल हो गया है। अब चित्त को दाहिने हाथ के अंगुलियों पे ले आइए। दाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। हाथ की अंगुलियों से लेकर कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो गया है। अब इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करना है। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, बायां हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब चित्त को गर्दन पे ले आइए। गर्दन के अंदर, गले के अंदर श्वास नली, खाद्य नली और कंठ। चित्त को कंठ पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव। कंठ का कायोसर या अंतर्मौन। गले के अंदर के प्रत्येक अवयव पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब चेहरे और मस्तिष्क को तनाव और शिथिल करना है। चित्त को ठुड्डी पर केंद्रित करें। ठुड्डी, दोनों होंठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाहिनी कनपट्टी, दाहिना कान, पूरा अंदर तक, बाई कनपट्टी, बाया कान, पूरा नाक, नाक के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए, दाहिनी आंख, बाई आंख, दोनों आंखें बिल्कुल अंदर तक, और पूरा लला, पूरा चेहरा शिथिल हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पर ले आए। दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो चुका है।
अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पैरों के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का और शिथिल। कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूर्ण शिथिलीकरण। शरीर के किसी भी अंग पे अगर जरा सा भी तनाव महसूस हो रहा है, चित्त को वहां लेकर जाए, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव देकर पूरी तरह से शिथिलता का अनुभव करें। कायोत्सव के अगले चरण में अनुभव करें शरीर के चारों ओर सफेद रंग का प्रवाह, श्वेत रंग का प्रवाह। शरीर के चारों ओर श्वेत प्रवाह का अनुभव करें और अनुभव करें पूरा शरीर श्वेत प्रवाह में बह रहा है। पूरा शरीर श्वेत प्रवाह में बह रहा है, चारों ओर सफेद रंग का प्रवाह और पूरा शरीर श्वेत प्रवाह में बह रहा है। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बहता जा रहा है, बह रहा है, बह रहा है। श्वेत रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। सफेद रंग की भांति पूरे शरीर में स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता का अनुभव करें। पूरा शरीर हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया। अब अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भरा हुआ है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए शरीर के कण कण तक पहुंच रहे हैं। प्रत्येक कोशिका तक श्वेत परमाणु पहुंच रहे हैं। श्वेत रंग का सांस आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। सफेद रंग
शांति का प्रतीक। शरीर के कण कण में परम शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति। कायसुर का अगला और महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान की अनुभूति। भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। जिस तरह मथनी द्वारा मथने पर दही से छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह शिथिलीकरण द्वारा शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव किया जा सकता है। शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग भेद विज्ञान की अनुभूति। शरीर नश्वर है, नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है, आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है, ऐसा अनुभव हो रहा है। शरीर चेतना लुप्त हो गया है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। कायोसर की समय सीमा समापन की ओर, कायोसर से पुनः वापस लौट आना है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर में प्राण की यात्रा और अनुभव करें। पूरे शरीर में चैतन्य वापस लौट रहा है, शरीर चेतनामय हो रहा है, चैतन्य से भर रहा है। पूरा शरीर वापस
चैतन्यमय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवलीपल्लतम धम्मम शरणम पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र,